दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पढ़ाई में मन डबल हो जाएगा। आखिर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट पढ़ाई को एक बोरिंग मानते हैं, इसलिए कुछ देर पढ़ने के बाद वे खुद बोरिंग फील करने लग जाते हैं। माना कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है, पर कुछ स्टूडेंट उसमें भी टॉप कर जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वे पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि वे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग बोरिंग काम को भी इंटरेस्टिंग और मजेदार बना देता है, अगर हम उस काम को सच में करना चाहते हो। आप लोग बोलोगे कि भला पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, जबकि आपको ज्यादा मजा तो फोन चलाने और वीडियोस देखने में आता है। तो दोस्तों यकीन मानो जितना इंटरेस्ट आप फोन चलाने में दिखाते हो उतना ही मजा आपको पढ़ाई में भी आने लगेगा। दोस्तों मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट के मन में पढ़ाई के टाइम हजारों विचार आने लगते हैं, थोड़ा फोन चला लूं, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा। पर दोस्तों ऐसा करने से आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है या खत्म ही हो जाता है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप 21 दिन का साइंटिफिक नियम जरूर पालन करो। दोस्तों आपको ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में ही आपको ज्यादा देर पढ़ाई नहीं करनी है, बस दिन में 1 या 2 घंटे ही पढ़ना है। उसके बाद आप हर दिन 10-10 मिनट बढ़ाते जाओ और पढ़ाई करते वक्त हर 20 मिनट में आपको ब्रेक जरूर लेना है। पर याद रहे कि फोन के साथ ब्रेक लिया तो फोन में ही लगे रहोगे। और एक खास बात, आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हो उसके बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड जरूर लगाएं, ताकि आपको कोई परेशान न कर पाए।